ज्यादा। आप पढ़ेंगे हम दर्पण के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया, लेंस और दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे हम अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन अपवर्तन क्या है, इसे अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण देखिए इधर अपवर्तन के बारे में देखेंगे। जब प्रकाश की किरण किरण एक सममानी माध्यम से एक सममानी माध्यम से दूसरे सममानी माध्यम दूसरे सममानी माध्यम से दूसरे सममानी माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक सममानी माध्यम से दूसरे सममानी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण एक सम्मान के माध्यम से दूसरे सम्मान के माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक कार्य सतह से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। देखिए कि हम चित्र देते हैं, जैसे ये है और ये पानी, देखिए हम प्रकाश को यहाँ से तिरछा आपतित करते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है। अब प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होती है तो यहाँ एक लंब खींचते हैं, लंब खींच गया, ये खींच गया, ठीक है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जब प्रकाश की किरण यहाँ से होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, देखिए ये मध्यम वायु है, मध्यम फास्ट जिसे वायु है और ये मध्यम सेकंड है जिसे पानी, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण आपके प्रकाश की किरण या लिखेंगे आप प्रकाश की किरण, उसके बाद में ये लंब है, क्या है? लंब, ये पृथक्कारी सतह है, पृथक्कारी सतह।
ठीक है। अब इसमें ये माध्यम है, माध्यम का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, तो माध्यम क्या होता है, माध्यम का मतलब होता है कि वह माध्यम जिसके कण एक समान होते हैं, जिसके कण एक समान होते हैं, समांगी माध्यम होता है। क्या होता है? समांगी माध्यम होता है। समांगी माध्यम होता है समान, जिसके कण एक समान होते हैं, जैसे जल वायु के कण हैं, जल के कण एक समान होते हैं। ये तो प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित होती है तो वायु से जब जल में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्यों हो जाती है अपने मार्ग से विचलित? क्योंकि जब प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है और यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक जाती है, तो इस प्रकाश की किरण में चाल होती है, एक निश्चित चाल होती है। मान लीजिए कोई भी चाल होती है, या 2 मीटर प्रति सेकंड होती है, 3 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसकी चाल होती है। जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाती है तो जैसे यहाँ तक चाल उसकी इतनी होती है, जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात पहले इसकी चाल थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जैसे दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल होगी 2 × 10⁸ सेकंड हो जाती है। 2 × 10⁸ सेकंड हो जाने के कारण यह अपने मार्ग से, जैसे सीधी निकलनी थी इस तरह से, तो सीधी निकलनी थी ये अपने मार्ग से चले जाती थी, तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात यह मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात लंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे घटनाएं हैं जिसको हम आपके पास पढ़ेंगे। जब मैंने आपको ये डेफिनेशन दिखी है, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी प्रत्यक्ष सत्य से टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, और उसी तरह से देख लेते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही हमें रात्रि के तारे प्रतिमा को दिखाई देते हैं, इसमें किसी भी गंध के पेंसिल का लगा हुआ दिखाई देना होता है, कि प्रकाश अपवर्तन से संबंधित घटना होती है। अब हम अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अपवर्तन से संबंधित घटना, अपवर्तन से अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हमारे पास में सबसे पहले है पात्र में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा। दूसरा है पानी से सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, तीसरी घटना है हमारे पास में, तीसरी घटना है पानी से भरे पात्र में तीसरा है ना, उसके बाद में कांच की स्लैब द्वारा
ठीक है। ये तीन घटनाएं हैं अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। वैसे रात्रि में या चौथी घटना में देखते हैं, रात्रि में तारों का टिमटिमाती हुई, टिमटिमाती हुए दिखाई दे रहा। रात्रि में तारों को टिमटिमाती हुई दिखाई देना, यह है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद में हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद में सूर्य कब दिखाई देना, पांचवी घटना भी है। सूर्य उदय व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। देखिए पांच घटना है अपवर्तन से संबंधित। सबसे पहले घटना है हमारे पास में पानी से भरे पात्र में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। उसके बाद में पानी से दूसरा है पानी से भरे पात्र में सिरके का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। उसके बाद में कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में रात्रि में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। उसके बाद में सूर्यास्त सूर्य उदय के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। ये सब अपवर्तन की घटनाएं हैं, अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं। हम देखते हैं कि अपवर्तन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाओं पर आधारित है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी पानी से भरे पात्र में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किस तरह से होता है। देखते हैं इसमें देखिए बेटा, इसमें ये पेंसिल है, देखिए ये पात्र है, ये जल है, ये पेंसिल है, ठीक है, ये अभिलंब है। देखते हैं इसमें कि पेंसिल किसी पात्र से लोगी पेंसिल का पात्र पानी से भरे पात्र में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। कोई भी पात्र लेते हैं, उसकी पात्र लेते हैं, उसको पानी से भर देते हैं। पानी से भरने के बाद में उसको देखते हैं, उसमें हम पेंसिल को डुबो देते हैं। किसको डुबोते हैं? पेंसिल को। जैसे हम देखते हैं तो पेंसिल हमें इस तरह से प्रतीत होती है कि जैसे वो साइड से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? कि अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। क्यों? देखिए जब प्रकाश की किरण हम यहाँ से देखते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात माध्यम अस्त से जाती है और अस्त से जाएगी सेकंड में, अस्त से सेकंड में जाएगी, सेकंड में जाएगी अस्त में, अस्त वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है।
बाद इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे वो सेकंड में जाते हैं तो इसकी चाल घट जाती है और कितनी हो जाती है 2×10⁸ हो जाती है। जैसे पहले इसकी चाल 3×10⁸ थी, अब कितनी हो गई इसमें जाने के बाद 2×10⁸ अर्थात यहाँ से जाने के बाद जैसे वो जाती है तो उसकी चाल में अंतर आता है और अंतर के कारण वो प्रकाश जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अभिलंब से दूर बनता हुआ दिखाई देता है, इससे वास्तविक जो पेंसिल है उसे दूर बनता हुआ दिखाई देता है, इसके कारण हमें किसी पार्क में भरे हुए पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो बहुत से साल के अंदर से वो एग्जाम बोर्ड में ये मिलता है कि अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन क्यों होता है, क्या कारण है अपवर्तन का, अपवर्तन का कारण हम इसके बाद में बताएंगे, अपवर्तन क्यों होता है, क्या कारण है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे किसी पार्क में भरे हुए पानी से भरे हुए पार्क में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना होता है। समझ गए होंगे कि इस वीडियो को इस चित्र को देखिए, इस चित्र में मैंने एक पात्र बनाया है और पात्र को जल से भर दिया है, भरने के बाद हमने एक पेंसिल उसमें डुबो दी, डुबोने के बाद पेंसिल का दूसरा प्रतिबिंब हमें कुछ ऐसा दिखता है जैसे पेंसिल मुड़ी हुई है, गच्ची हुई है, तो दिखाई दे कि हमने देख इसको डुबोने के बाद हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से जो माध्यम है वो वायु है और नीचे जो पेंसिल डुबी हुई है वो माध्यम क्या है, जल है, अर्थात माध्यम फर्स्ट क्या हो गई वायु, माध्यम सेकंड क्या हो गई जल हो गया। अब जैसे प्रकाश की किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में जाती है तो माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड से जाएगी तो माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जैसे वो सेकंड माध्यम में जाती है तो उसकी प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसके कारण वो प्रकाश की चाल जो प्रकाश है उसको अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है, अर्थात वो अभिलंब से दूर रह जाती है, मार्ग से विचलित हो जाने के कारण हमें पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आप समझिए कि पेंसिल से भरे हुए पानी से भरे हुए पात्र में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना होता है। अगला है इसमें जो कि हमारे पास में किसी पात्र में भरे हुए यानी कि पात्र पानी से भरे हुए पात्र में सिक्के का ऊपर मुड़ा हुआ दिखाई देना है, अंतर जो है नहीं है सेम है, वो भी इस तरह से होता है, कोई भी हम पात्र लेते हैं या ग्लास ले लेते हैं या बाल्टी ले लेते हैं या हम कांच का गिलास लेते हैं, मान लीजिए कांच का गिलास है और इस कांच के गिलास को हम आधे से ज्यादा भर देते हैं और इस कांच के गिलास में हमने पहले ही सिक्का रख दिया है और सिक्का रखने के बाद में हम देखते हैं कि सिक्के को देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं हम सिक्के को देखने के बाद में जैसे सिक्के की जो एक किरण दूसरे उस माध्यम में जाती है तो सिक्का का यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है, वही घटना है जैसे आपने पहले पढ़ा था कि पेंसिल का मुड़ा हुआ है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि वायु है ये माध्यम फर्स्ट है और माध्यम फर्स्ट में माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपने वेग के कारण अपने चाल के कारण वो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और मार्ग से विचलित हो जाने के कारण वह है उसका प्रतिबिंब हमें दूसरी जगह बनता हुआ दिखाई देता है, अर्थात ऐसा लगता है कि सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ है। तो प्रकाश की ये घटनाएं होती हैं किसके कारण अपवर्तन के कारण होती है। अब हमारे पास में तीसरा पॉइंट आ जाता है कि कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, कांच की स्लैब जो होती है उसमें प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। कांच की स्लैब से देखते हैं एक स्लैब का मतलब होता है सिल्ली, वो भी
देखिए सर, हम देखते हैं कि एक आयताकार कांच की स्लैब लेते हैं, आयताकार कांच की स्लैब लेते हैं, उस स्लैब को के से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए इधर, हम मान लीजिए कांच की स्लैब से कोई भी फलक पर ए बी फलक पर या सी डी फलक पर या ए सी फलक पर या बी बी डी फलक पर हम क्या करते हैं कि इस पर वो करते सकते ए बी फलक पर हम और सी डी फलक पर भी और ए सी पर भी बी डी पर भी कोई भी प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश की किरण को तिरछे आपतित करते हैं तो यहाँ एक लंब खींचते हैं। जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे वो वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, अर्थात अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे अपवर्तित उसका आंतरिक अपवर्तित होता है, आंतरिक अपवर्तित होता है, जैसे वो अंदर से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से बहुत दूर हट जाती है, अर्थात वो सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाती है। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है। जो कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है इस प्रकार होता है, हम एक आयताकार कांच के स्लैब लेते हैं, उस पर हम पी क्यू पी और क्यू आपतित किरण है, उसके बाद में आर क्यू आर अपवर्तित किरण है और आर एस निर्गत किरण है। यहाँ घटनाएं होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ आपतित किरण हो जाती है, आपतित किरण किरण पी क्यू क्या है पी क्यू, उसके बाद में अपवर्तित किरण क्यू आर है, उसके बाद में निर्गत किरण, उसके बाद में आर एस है। ये तो है किरण, उसके बाद में जब इसमें घटनाएं होती है तो इसमें कोण बनता है, क्या बनता है कोण बनता है, तो इसमें आपतन कोण यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, कौन सा कोण होता है आपतन कोण। तो कोण किससे प्रदर्शित करते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं आई से, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, उसके बाद में अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है अपवर्तन कोण, कौन सा है अपवर्तन कोण। उससे आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे आर प्रदर्शित करते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद में कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बाहर की तरफ होता है जिसे निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं उसे विचलन कोण कहते हैं, क्या कौन सा कोण कहते हैं विचलन कोण, उससे किससे प्रदर्शित करते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं ई से। तो ये प्रकाश के संबंधित कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट्स में आप मुझे बताना है जरूर कौन सी टॉपिक आपको समझ नहीं आया। तो प्रकाश के संबंधित ये घटनाएं हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है।